महिंद्रा की एक्सयूवी 500 गाड़ी देखते हैं, MP13 नंबर में आपको सेकंड ओनर गाड़ी, लेकिन गाड़ी के आपको नंबर जो है बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, MP09SR1234। तो ये इसमें सबसे खास बात है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह हमारी वीडियो का भी इंजॉय करते होंगे, क्योंकि हम लाते हैं आप सबके लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का वीडियो, जिसमें आपको अलग अलग शहरों में जाके हम अलग अलग गाड़ियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी के लिए हम आए हैं आज आप सबके लिए रतलाम शहर में, और आज हम लाए हैं आप सबके लिए SUV का वीडियो। जैसा कि आप देखते हैं मेरे पीछे दो SUV खड़ी है, जो कि आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दो SUV है और एक TUV है और दो स्कॉर्पियो है। तो वो सारी जो गाड़ियाँ हैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। SUV भी दिखाएंगे और साथ में आपको स्कॉर्पियो और TUV भी दिखाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है रेबल द बाइकर बॉय, वहाँ पे आपको मुझसे कोई बातचीत करना है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी जानकारी मैं वहाँ भी देता रहता हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले जो है आप गाड़ी को देखने करने के लिए आ जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोनों गाड़ी आपको देखने को मिलेगी SUV, और दोनों गाड़ी जो है आपको देखने को मिलेगी 2013 मॉडल की। गाड़ी कंडीशन आप देखते हैं दोनों की, आपको बढ़िया कंडीशन में आपको ब्लैक और वाइट कलर में आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, महिंद्रा की SUV 500 बोल रहे हैं या 500 बोल रहे हैं, जो भी आपके बोलने के हिसाब से है, लेकिन कंपनी इसको बोलती है SUV की 500। तो SUV 500 इसका सही नाम है, और उसके बाद में आप भी जो है इसको इस नाम से पुकार सकते हैं। 2013 मॉडल की वाइट वाली भी है, 2013 मॉडल की ब्लैक वाली भी है, दोनों की कंडीशन देख सकते हैं आप। सबसे पहले वाइट की बात करते हैं, तो वाइट कंडीशन आप देखते हैं 2013 मॉडल की वाइट कलर की SUV देख सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल स्क्रेचलेस है, हल्के फुल्के आपको जो है इसमें स्क्रेच देखने को मिल जाएंगे। टायर की बात करें तो 50-60% के टायर आपको ये देखने मिल जाएंगे आगे के, और ये जो है कंडीशन देखते हैं आप पीछे से, तो दोनों टायर की दोनों जगह से आप देखते हैं साइड से कंडीशन देते हैं। ये टायर आपको बिल्कुल कमज़ोर मिलेगा, ये टायर आपको बदलाना पड़ेगा। 2013 मॉडल की SUV MP09 में है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो गाड़ी है ये आपको देखने को मिलेगी थर्ड ओनर गाड़ी। आपका नंबर आपके सामने है, आप चाहे तो शो कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी के आपको नंबर जो हैं बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, MP09SR1234। तो ये इसमें सबसे खास बात है। गाड़ी की टायर आपको ये भी आपको 20-30% के देखने को मिल जाएंगे, और ये जो टायर आपको है 50-60% के 60-70% के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो ये W8 वाला वेरिएंट आपको ये देखने को मिल जाएगा एलॉय व्हील के साथ में। गाड़ी कंडीशन आप देख ही रहे हैं, अंदर से एक बार आपको दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर से इंटीरियर की कंडीशन देख सकते हैं आप। इंटीरियर से आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, सीट कवर वगैरह आपको चेंज करवाने पड़ेंगे, सीट कवर थोड़े से इसमें फट चुके हैं, बाकी आप अंदर से इस तरीके से कंडीशन देख सकते हैं, बढ़िया सी ही कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, खाली सीट को चेंज कराने की इसमें ज़रूरत है, बाकी आपको इंटीरियर जो है साफ़ सुथरा इसमें देखने को मिल जाएगा, और बढ़िया सी कंडीशन में आपको ये गाड़ी भी देखने को मिल रही है 2013 मॉडल। फिर आपको दिखाते हैं 2000 वाली। तो ये थी 2013 मॉडल की वाइट कलर की W8 वाला वेरियंट 2013 मॉडल। फिर आपको दिखाते हैं ब्लैक वाली, देख सकते हैं आप कि ब्लैक वाली कंडीशन में आप देखते हैं ये वाली, ये देखते हैं इस तरीके से आपको ब्लैक वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, और W6 वाला वेरिएंट आपको ये देखने को मिलेगा जिसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, स्टील व्हील देखने को मिलेंगे। टायर की बात करें तो लगभग सभी टायर 20-30% के बचे हैं, जो कि आपको शायद चेंज कराने पड़ेंगे टाइम से। ये टायर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब 50-60-30-40% का, मतलब 20-30-40% के टायर आपको सभी देखने को मिल रहे हैं, जो कि थोड़े दिनों बाद आपको चेंज कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये आपको कंडीशन देख सकते हैं, आपको बम्पर में थोड़े जो है आपको स्क्रैच मिलेंगे, बाकी आपको साइड में जो है हल्के फुल्के स्क्रैच देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल साफ सुथरी है आगे साइड से और पीछे से, खाली आपको जो है आगे बम्पर में आपको इस तरीके से थोड़े बहुत जो है स्क्रैच देखने को मिल रहे हैं। और ये देखते हैं 2013 मॉडल की ब्लैक कलर की आपको इस तरीके से पूरी कंडीशन देखने को मिल रही है। बात करें इसके बैक की कंडीशन की, तो बैक में भी आपको बहुत शानदार कंडीशन देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं दोनों के बैक में काफ़ी शानदार काफ़ी खूबसूरत जो है आपको पीछे से भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करें आपको इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको देख सकते हैं इस तरीके से बेहतरीन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, और ये इसके सीट कवर वगैरह भी काफ़ी इसमें आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे, और पूरी गाड़ी जो है इंटीरियर से आपको जो बढ़िया देखने को मिल रही है।
तो ये पूरी कंडीशन है 2013 मॉडल की दोनों एसयूवी की। ये थी दोनों 2013 मॉडल की एसयूवी, जो कि आप देख सकते हैं सामने आपको कंडीशन दिखा दी गई है। 2013 मॉडल दोनों ही गाड़ी है, दोनों ही थर्ड ओनर गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। एक का जो नंबर है वो आपको VIP देखने को मिल जाएगा, जो कि MP09 1234 देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको लिए बढ़िया देखने को मिल सकती है। तो दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों की गाड़ी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है, दोनों के ओनर थर्ड है, दोनों के रेट सेम आ रहे हैं, 4.5 लाख रुपए की दोनों के रेट डिमांड है। बाकी इसमें जो भी मान सम्मान बैठक होगा वो आपके लिए करवा दिया जाएगा। महिंद्रा की XUV500 गाड़ी की देखते हैं। MP13 नंबर में आपको सेकंड ओनर गाड़ी ये देखने को मिल जाएगी, रेड कलर में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। W6 वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। टायर की बात करें तो 70-80% के चारों टायर आपको लगभग ये देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये गाड़ी की पूरी कंडीशन है। W6 वाला वेरिएंट है, 2015 मॉडल की XUV500 आपको ये देखने को मिल रही। इंटीरियर से देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से कंडीशन देखने को मिल जाएगी। इंटीरियर में आपको ये देख सकते हैं इस तरीके से बेहतरीन सी कंडीशन, आपको सीट कवर वगैरह के साथ में अच्छी सी कंडीशन आपको देखने को मिल। और ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको बैक कंडीशन देखने को मिल जाएगी XUV500 की। W6 वाला वेरियंट आपको ये देखने को मिलेगा और ये सारी गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ बात करें इसके रेट की तो 2015 मॉडल की W6 वाला वेरियंट महिंद्रा XUV500 और रेट की बात करें तो इसकी रेट आ रहे हैं 5.5 लाख रुपए डिमांड है। बाकी जो बैठक हो जाए इसमें आपके लिए करवा दिया जाएगा, जैसा कि आप बढ़िया सी कंडीशन में बढ़िया से रेट देखने को आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी गाड़ियाँ थी आपको इस वीडियो में दिखा दी मैंने, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। 2013 मॉडल में से आपको जो है अच्छी कंडीशन देखने को मिल जाएगी दोनों गाड़ी की। तो वीडियो एंड करते हैं, आपको जो है दो गाड़ी दिखानी थी मुझे, XUV500 या 500 जो भी इसको आप बोल लें, दोनों की गाड़ी कंडीशन आप देख ली। और इसमें आपको जब भी लेना है तो इस नंबर पे डिटेल वगैरह सब मिल जाएगी, कहाँ आना है, रतलाम में कैसे आना है, सब चीज़ आपको जो है इस नंबर पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर पे सारी डिटेल ले लीजिए, ये नंबर आपके लिए रखा गया है इसीलिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए, डिटेल वगैरह लेना है, जानकारी लेना है, तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करके नंबर पर डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर कोई भी गाड़ी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टॉक देखने मिल जाएगा, तो इसके अलावा आपको कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप जो है इस गाड़ी के स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो में से आप उस गाड़ी का जो है संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, इस नंबर पे डिटेल ले सकते हैं इनमें से कोई भी गाड़ी, जैसे कि 2009 की बोलेरो 9 सीटर है, और भी डिजायर वगैरह, स्विफ्ट वगैरह, और जैसे कि स्कॉर्पियो है, उसके अलावा अल्टो छोटी गाड़ी चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाए, बोलेरो वगैरह है तो बोलेरो वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में TUV हो तो TUV देखने को मिल, और आपको बोलेरो पिकअप वगैरह चाहिए तो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, या आपको हुंडई की वरना वगैरह चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे डिटेल वगैरह ले सकते हैं, व्हाट्सअप की सुविधा वगैरह सब आपको इस नंबर पे प्रोवाइड है।